हेलो स्टूडेंट्स, क्या बड़े बड़े डिविजन्स नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना जानने के लिए कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आज का ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 1 to 10 तक के नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों लगी। चलो मान लीजिए आज आपका बर्थडे है और आपको 200 चॉकलेट्स दी गए और आपसे कहा गया कि इसे अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट दीजिए। और फिर आपसे मैंने पूछा कि बताइए चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास चॉकलेट बचे या नहीं बचे, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली आप क्या करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे, देखोगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब चॉकलेट बच गए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब चॉकलेट नहीं बचे। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ज़रूरत पूरी करता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो आप देखते ही यूँ सेकेंड्स में बता दोगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, और इस केस में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास चॉकलेट्स बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इट इज़ अ शॉर्टकट वे ऑफ फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय सम अदर नंबर और नॉट। यानी कि ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे हम जान सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिविजिबल कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 से 10 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको यूनिट प्लेस का नंबर देखना है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 256, तब यूनिट प्लेस पे 6 है। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 2 के टेबल से जा रहा है, यानी कि अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस पे है इन दिस केस, यूनिट प्लेस पे आपके पास है 6, 2 के टेबल में जाता है, यस 2 3 6, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और अगर इसको आप नॉर्मल वे से चेक करने जाते तो कितना टाइम लग जाता आपको ये फाइंड करने के लिए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं? आपको पूरा थ्रू आउट डिविजन करना होता और लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आता तो आप कहते कि नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता चल गया, आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना है यूनिट प्लेस का नंबर। यूनिट प्लेस वाला नंबर अगर इवन नंबर है, यानी कि यूनिट प्लेस अगर 2 के टेबल में जा रही है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 204357, तो इतना बड़ा नंबर है, मुझे टेस्ट करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं 2 से डिवाइड करने जाऊंगी तो कितना टाइम लग जाएगा। पर अब तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 2 के टेबल में जाता है, नहीं जाता, क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए हम कहेंगे ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसने डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया, तो इसलिए ये नंबर भी 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं 104256, तो इस केस में यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या है, 6, जो कि एक इवन नंबर है, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाए। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना होगा, और अगर वो एडिशन 3 के टेबल से डिविजिबल है, यानी कि आपका वो नंबर भी 3 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए एग्जाम्पल 23574, आपके पास एक नंबर है, आपको देखते ही अभी बताना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार आपको इन सारे डिजिट्स को ऐड करना है, यानी कि 2+3+5+7+4, ये एडिशन करके अगर वो 3 के टेबल से डिविजिबल होगा तो मतलब कि आपका ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 2+3 5, 5+5 10, 10+7 17, 17+4 21, तो क्या 21 से डिविजिबल है, यस 7 3 21, ये 21 डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारे इस नंबर ने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपके पास और नंबर है 1054216, अब ये कितना बड़ा नंबर है, आप देखते ही बता सकते हो कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, सिर्फ आपको ऐड ही तो करना है, और क्या करना है, बस 1+5 6, 6+4 10, 10+2 12, 12+1 13, 13+5 18, 18+6 24, यस
24 comes in 3's table. It means इस नंबर ने भी 3 से divisibility test पास कर दिया. चलो और एक example देखते हैं. Let's say 8132 एक नंबर है. अब ये 3 से divisible है या नहीं कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना है? सिर्फ add ही तो करना है. 8 plus 1 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14. तो sum of the digits 14 आ रहा है. 14 does not come in 3's table. 14 तीन के टेबल में नहीं आता है. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो क्योंकि 14 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अब हम देखेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है. उसके लिए आपको क्या देखना है, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है वो 4 के टेबल से डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, then the number is divisible by 4. तो चलो कुछ numbers देखते हैं. आपके पास number है 2, 3, 4, 7, 2. अब क्या आप देख के बता सकते हो? जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आपको सिर्फ क्या देखना है, last के 2 digit का number अगर 4 से divisible है, तो मतलब ये पूरा number भी 4 से divisible होगा. Now number formed by last 2 digits is 72. क्या 72 4 से जाता है? Yes. 4 ones are 4. 4 8 32. तो लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर 72 है. 72 4 के टेबल से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये बड़ा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. मान लीजिए आपके पास नंबर है 54324. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? देखते ही आप कह सकते हो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बन रहा है 24 4 के टेबल में जाता है. 4 6 जा 24, तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल होगा. दैट्स इट. मान लीजिए आपके पास नंबर है 76531. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? नो, क्योंकि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट मिला के नंबर बन रहा है 31. 31 4 के टेबल में नहीं जाता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. और वैसे भी कोई भी इवन नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती है ना, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यूनिट प्लेस वाला नंबर इवन होना चाहिए. यूनिट प्लेस पे अगर ऑड है तो वो इवन के टेबल में जा ही नहीं सकता. हमारा अगला नंबर है 5. 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना तो और भी आसान है. आपको सिर्फ क्या देखना है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. क्योंकि 5 का टेबल कैसे होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. तो आप देख सकते हो कि 5 के टेबल में या 5 होता है या 0 यूनिट प्लेस पे. उसी तरह से कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा. आपका नंबर है 2754. क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? देखते ही बोल सकते हैं नो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है. दैट्स इट. मान लीजिए आपके पास नंबर है 3845. इज दिस डिविजिबल बाय 5? यस, यूनिट प्लेस पे 5 है. अब हम देखेंगे 6 से डिविजिबिलिटी. अब 6 क्या होता है? 6 होता है 2 3 जा 6. तो इसलिए अगर एक नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. If a number is divisible by 2 and 3 both, यानि कि एक number 2 और 3 दोनों से अगर जा रहा है, तो मतलब वो number 6 से भी divisible होगा. Let's take an example. आपके पास number है 5432. अब ये number देख के आप कैसे कहोगे? आपको क्या देखना है, पहले 2 से check करना है और फिर 3 से, क्योंकि unit place पे 2 है. 2 क्या होता है, एक even number. 2 के table में जा रहा है 2, तो इसलिए ये number 2 से divisible है. Yes. क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? जैसे कि हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अब तो पता ही है, हमें सिर्फ क्या करना है, ऐड करके देखना है. 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14. तो सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है पर 3 से नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा. चलो और एक एग्जांपल लिखते हैं. मान लीजिए आपके पास नंबर है 2136. हमें क्या देखना है, सिर्फ 6 से डिविजिबिलिटी के लिए, क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से जा रहा है? देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 6 इवन नंबर है, 2 के टेबल से जा रहा है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. अब हमें 3 से चेक करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा. तो चलिए एक नंबर लेते हैं जिसकी हम डिविजिबिलिटी 7 से टेस्ट करेंगे, 1603. अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, डबल द लास्ट डिजिट,
यानी कि आपका लास्ट डिजिट है 3, तो इसका डबल करना यानी कि 6 हो गया, तो उसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए नंबर्स है उसको छोड़ के, ट्रंकेटेड नंबर्स मतलब उसको छोड़ के जो नंबर्स बच गए उसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि 3 टू 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 से, तो क्या मिला आपको 154। अब ये नंबर देखते ही तो आप नहीं कह पाओगे ना कि 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है, तो ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी होगी तब तक जब तक हम देखते ही ना कह सके कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अभी यहाँ पर मिला हमें लास्ट डिजिट 4, 4 टू 8, तो मतलब अभी हमें करना है 15 माइनस 8, क्या मिला आपको 7, 7 कम्स इन 7 स्टेबल, तो इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 47684, डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है 4, 4 टू 8, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे के बचे हुए नंबरों से, 4768 माइनस 8, तो आपको क्या मिलेगा 4760, ठीक है, तो 4760 में से हम 476 लेंगे और 0 टू 0 वंस अगेन, तो आपको क्या मिल गया 476, तो इसमें से अभी हम 47 लेंगे और 6 टू 12, 47 माइनस 12 गिव्स यू 35, यस 35 सात के टेबल से जाता है, 7 फाइव जा 35, तो इसलिए ये हमारा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने के लिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2341, ठीक है, तो ये टेस्ट क्या कहता है, डबल द लास्ट डिजिट, 1 टू जा 2, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, बाकी के बचे हुए नंबर है हमारे 234, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट वाले नंबर का डबल, क्या मिला हमें 232, उसके बाद फिर से हमें देखते ही तो हम नहीं कह सकते 232 को, तो इसलिए हम फिर से लास्ट का डिजिट लेंगे, तो लास्ट का डिजिट है 2, 2 टू 4, तो उसको बाकी के नंबरों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी के नंबर है 23, 23 माइनस 4 आपको क्या मिलता है 19, क्या 19 7 के टेबल में आता है, नो, तो इसलिए ये हमारा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को देखते ही कैसे बता दें कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट का नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, मींस इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो क्यों ना एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 23456, ये टेस्ट क्या बोल रहा है, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ अब नंबर आपका भले कितना भी बड़ा हो आपको सिर्फ क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखना होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट का नंबर 8456 इज डिविजिबल बाय 8, यस, तो इसलिए हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे कि यहां पर भी तो हमने डिवाइड किया, पर तीन नंबर्स को 8 से डिवाइड करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या पूरे नंबर को डिवाइड करना, तो इसलिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारे नंबर्स के लिए जो 3 डिजिट से बड़े हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखना है, अगर 8 से डिविजिबल है लास्ट के 3 डिजिट्स तो वो नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास नंबर है 743245, ठीक है, अब ये नंबर कितना डिजिट है, 6 डिजिट नंबर है, इस 6 डिजिट नंबर को 8 से डिवाइड करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, हमें पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये डिजिट्स से जो नंबर बना है वो 8 से डिविजिबल है तो हमारा ये बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0, रिमाइंडर आपको 5 मिला, मतलब 245, मतलब लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा नंबर ने 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया पास नहीं किया, तो इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का ऐसा मेथड देखेंगे जिसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट्स को भी डिवाइड करके नहीं देखना होगा, इसमें आपको सिर्फ 100 की प्लेस देखनी होगी, आपकी 100 की प्लेस डिसाइड करेगी कि आपका टेस्ट कैसे होगा। मान लीजिए आपकी 100 प्लेस पे इवन नंबर है, उस केस में आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होंगे, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 8 के टेबल से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि 624 में
100 प्लेस पे इवन नंबर है तो इसलिए हम इसे लास्ट के टू डिजिट्स यानी कि 24 8 के टेबल से डिविजिबल है. यस 8 3 24 इसलिए हमारा ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. और अगर आपके 100 प्लेस पे ऑड नंबर है उस केस में आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ इस तरह से होगा. आपको सिर्फ लास्ट के टू डिजिट से जो नंबर बनता है प्लस 4 करना होगा और अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि लास्ट के टू डिजिट से बना है नंबर 52. 52 प्लस 4 इज व्हाट 56. 52 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 56 और 56 इज डिविजिबल बाय 8 इसलिए ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. तो कुछ और एग्जांपल्स देते हैं. अब ये नंबर बड़ा है, मोर देन 3 डिजिट नंबर है, तो आप इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पर 100 प्लेस पे इवन नंबर है तो इसलिए हमें क्या देखना होगा, हमें सिर्फ लास्ट के टू डिजिट्स से जो नंबर बना है अगर वो 8 के टेबल में आ रहा है तो मतलब ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. तो क्योंकि 78 8 के टेबल से नहीं जाता, 8 9 72, दैट इज वाई ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. और इस केस में हम देख सकते हैं लास्ट का टू डिजिट से 64 और 100 प्लेस पे है इवन नंबर, इसलिए हम लास्ट के टू डिजिट से जो नंबर बना है 64, क्या ये 8 के टेबल से जाता है? यस 8 8 64, क्योंकि ये 8 के टेबल से जा रहा है इसलिए हमारा ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. तो हम देख सकते हैं कि ये और सिंपल हो गया. इस टेस्ट से हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को भी डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ 100 की प्लेस देखनी है. 100 की प्लेस डिसाइड करेगी आपका कि आपको टेस्ट कैसे अप्लाई करना है. अब इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि 100 प्लेस पे यहाँ पर ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट्स में से नंबर बना 34, हमें क्या करना होगा, उसमें 4 ऐड करना होगा और 4 ऐड करने से जो नंबर मिला अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. क्योंकि इस नंबर में 7 6 9 3 4 लास्ट की प्लेस पे है 34 और 100 की प्लेस पे है 9, ये ऑड नंबर है इसलिए हमें 34 में प्लस 4 करना होगा. 34 प्लस 4 इज 38, क्योंकि 38 8 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. लास्ट नंबर यहां पर हम देख सकते हैं वंस अगेन 100 प्लेस पे ऑड नंबर है तो लास्ट के टू डिजिट से बना 32. 32 प्लस 4 इज 36. 36 8 के टेबल से जाता है नहीं तो इसलिए ये हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ. हमारा अगला नंबर है 9. 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का क्राइटेरिया एकदम सिमिलर है 3 के जैसे. 3 में जैसे हम कर रहे थे सम ऑफ ऑल डिजिट्स कम्स इन 3 टेबल, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है. अगर सारे डिजिट्स को ऐड करके एडिशन हमारा 9 के टेबल से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. दिस डिविजिबिलिटी टेस्ट सेज इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, दैट्स इट. सम अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी डिविजिबल होगा. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपके पास नंबर है 2 3 4 6 5 7, ओके. तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? अब अगर हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम. हमें टेस्ट क्राइटेरिया पता है, हमें सिर्फ क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा. 2 + 3 + 4 + 6 + 5 + 7. 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 6 15 15 + 5 20 20 + 7 27. क्या 27 9 के टेबल से जाता है? यस 9 3 = 27. यस तो इसलिए ये हमारा बड़ा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. तो क्यों ना कुछ और नंबर लिए जाए. मान लीजिए आपके पास नंबर है 64037. इज दिस नंबर डिविजिबल? जस्ट ऐड द नंबर्स. हमें सिर्फ क्या करना है, अभी सिर्फ ऐड ही तो करना है, ऐड करना है. और अगर एडिशन 9 के टेबल से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. 6 + 4 = 10. 10 + 3 = 13. 13 + 7 = 20. तो हमारा सम क्या आया? 20. 20 9 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. आज का हमारा आखिरी नंबर है 10. जैसे कि आप सबको पता ही है 10 का टेबल क्या होता है, 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30. तो मतलब क्या, 10 के टेबल में हमेशा लास्ट में 0 आता है. बस यही शॉर्टकट वे है. आपको क्या देखना होगा, कोई भी नंबर उसके अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. इफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10, दैट्स इट. तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. मान लीजिए आपके पास नंबर है 7540. क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? देखते ही बोल सकते हैं यूनिट प्लेस पे 0 है तो हाँ ये नंबर भी डिविजिबल होगा. आपके पास मान लीजिए नंबर है 8368. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 10?
नो बिकॉज यूनिट प्लेस इज नॉट जीरो, तो इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था 1 से 10 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिन्हें अप्लाई करते ही बिना डिवाइड किए आप फटाक से कह सकते हो कि कोई भी नंबर इन नंबरों से डिविजिबल है या नहीं है। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आगे के नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लाने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।